दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्स्ट्रा एज फिटनेस। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल की ओर से मंगलवार को ललित कला भवन में निःशुल्क बाल रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जहां डॉक्टर की ओर से कामगार के बच्चों का और परिसर के छोटे बच्चों की निःशुल्क रोग चिकित्सा की गई। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल के उपायुक्त नंदलाल राठौर ने बताया कि विभाग हर बाल कामगार और उनके परिवार के लिए विभिन्न सेवाएं और सुरक्षा देने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल नागपुर विभागीय कार्यालय गटक कार्यालय चंदन नगर अंतर्गत ललित कला भवन चंदन नगर हा प्रिमाइसेस मध्ये या इमारती मध्ये आज या ठिकाणी बाल चिकित्सा शिबिर अपन आयोजित केलेला आहे। अपन बघता आहात की साधारणतः 100 पेक्षा जास्त मुले आज या ठिकाणी बालकांनी सहभाग घेऊन या शिबिराला असा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे। धन्वंतरी हॉस्पिटलची संपूर्ण डॉक्टर टीम या ठिकाणी अवेलेबल आहे, उपलब्ध आहे। त्यांच्या प्रमुख नियंत्रणाखाली आज या ठिकाणी आपण तपासणी घेत आहोत। मित्रों, मला माहिती आहे की कोरोना काळामध्ये साधारणतः अशा प्रकारची शिबिराची आज आपल्याला गरज आहे। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ अशा शिबिराला या ठिकाणी प्रथम प्राधान्य देत असून, मागच्या वर्षी साधारणतः 15 रक्तदान शिबिर घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या ब्लड बँकेला 300 आसपास बाटल्या आपण उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। या चालू आर्थिक वर्षामध्ये नागपूर विभागाचा कामगार कल्याण मंडळाचा नागपूर विभागाचा असा प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त आरोग्य ह्या सदराखाली आरोग्य ह्या विषयाखाली आपण कामगारांचं आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी COVID-19 हा प्रमुख हेतू पुढे ठेवू विविध ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन, कामगार विषयक आरोग्य मार्गदर्शन शिबिरे, त्यानंतर बालचिकित्सा शिबिर, नेत्रचिकित्सा शिबिर असे कार्यक्रम आपण हाती घेतलेले आहेत। आणि मागच्या ह्या महिनाभरामध्ये आपण 29 कार्यक्रमाचं आयोजन माझ्या नागपूर विभागाच्या सहा जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी आपण केलेलं आहे। मैं डॉक्टर मुरली हूँ, मैं और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल नागपुर का ओनर हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से पास आउट हुआ हूँ। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर अभी 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो 2 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक बड़ा इवेंट रखा है। ये इवेंट में हमने जो GMC नागपुर से पास आउट हुए हैं और उनमें से जो डीन बने हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, उनको हम एक साथ ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में, और ये लाइव रहेगा 8 प्लेटफॉर्म्स में। यानी ये लाइव रहेगा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, 3 चैनल्स में, 3 TV चैनल्स में, और अलग अलग लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अब ये इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक कॉम्पिटिशन भी रखा है, जहाँ जिसमें आप लोग जो डॉक्टर्स हैं, एलुमिनी हैं और ऑडियंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये डीन्स को, और इनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको हम एक प्राइज भी देने वाले हैं। और इसमें से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हर एक बैच से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो भी फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा या जो फर्स्ट रजिस्टर करेगा, तो उनके लिए भी प्राइजेस रखे हैं। ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो 2 अक्टूबर 7 o'clock आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। ये लिंक्स हम आपको शेयर करेंगे, आप वो लिंक क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अभी रजिस्टर करिए और 2 अक्टूबर को हमारे साथ आप इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। जो ये 2 अक्टूबर को जो लाइव इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाँ, तो ये जो 2000 डॉक्टर्स हैं, इनके लिए हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, और ये कॉम्पिटिशन में आपको एक क्वेश्चन पूछना अपने फेवरेट ड्रीम को। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने पॉलिटिशियंस को कैसे हैंडल किया, या आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने ऐसा कौन से चैलेंजेस आपने देखे। और जैसे बहुत सारे डीन्स हैं जिनको कोविड को फाइट करने का एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं यदि 3rd wave आता है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो दोस्तों, आप रजिस्टर करिए और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके अपने फेवरेट डीन को पूछिए, और ज़रूर 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आप ज्वाइन करिए। ये लाइव इवेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू।